हेलो, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। क्लास सिक्स, चलिए आपकी इंग्लिश की क्लास के लिए हम यहाँ पर फिर से इकट्ठे हैं। यह आपकी बुक, और जैसे लेसन नंबर टू हम कर रहे थे, राइट, जिसका नाम था द नाइटिंगेल। आपने पिछले क्लास में मैंने आपको नाइटिंगेल के बारे में बताया कि कैसे एक चाइना में रहने वाले जो सम्राट थे वहाँ पर, उनके राज्य में बड़ा खूबसूरत गाने वाली एक एक बर्ड थी, नाइटिंगेल, राइट, जिसे जिसके बारे में राजा को भी खबर नहीं थी। और जब उन्हें पता चला तो वो एकदम उस कोयल से मिलने के लिए, उसकी आवाज़ सुनने के लिए बड़े बेसब्र हो गए, राइट। और अल्टीमेटली वहाँ पर उस कोयल को खोजा गया और वो एम्परर के लिए गाने के लिए राज़ी हो गई। तो यहाँ तक मैंने आपको बता दिया था, पेज नंबर आपका 13 का, यहाँ से इस पैराग्राफ से हम लोग आज इसकी शुरुआत कर रहे हैं। ओके, तो बहुत अच्छी स्टोरी है, ध्यान से देखेंगे। और जैसे जो जो चीज़ें मैं पढ़ रहा हूँ, जिन वर्ड्स को, उन चीज़ों के प्रोनाउंसिएशन, उसका उच्चारण मैं कैसे कर रहा हूँ, उस पर ध्यान देना है आपको। और साथ ही साथ अपनी उंगली रखते चलिए उन लाइनों को जिनको मैं पढ़ता जा रहा हूँ, ताकि जैसे क्लास में हम पढ़ाई करते थे वैसे ही आप घर पे बैठकर भी इस वीडियो को देखकर पढ़ सकें। ओके, फाइन, आई विश यू ऑल द बेस्ट। चलिए शुरुआत करते हैं। देयर वॉज ग्रेट एक्साइटमेंट। द पोर्सेलेन वॉल्स वेयर क्लीन्ड एंड पॉलिश्ड एंड द डेकोरेशंस वेयर पुट अप all over the palace. In the middle of the huge hall was a golden perch. चलिए मैं आपको बताता हूं इसका अर्थ। एक्साइटमेंट, जैसे आपने देखा कोई त्योहार होने वाला, कोई त्योहार रहता है या कुछ खास घटना होने वाली रहती है तो हम लोग बड़े उत्साहित रहते हैं, इसी को एक्साइटमेंट कहते हैं, राइट, कि जो क्या होने वाला है, कैसे होगा, इसको लेकर जो आपके मन में अलग अलग फीलिंग्स रहती हैं, राइट, वही एक्साइटमेंट है। तो अब कोयल आने वाली थी, ए नाइटिंगेल, और एम्परर के लिए गीत गाने वाली थी वो, जिसकी तारीफ पूरी दुनिया कर रही थी और जिसको वहीं के कोर्टियर्स ने, दरबारियों ने और वहाँ के सम्राट ने कभी सुना नहीं था। आज वो मौका आ गया था कि उनको उस कोयल को आमने सामने सुनने का मौका मिलने वाला था, तो बड़ा एक्साइटमेंट था और इसकी खास तैयारियां की गई। द पोर्सेलेन वॉल्स वेयर क्लीन्ड एंड पॉलिश्ड एंड द डेकोरेशंस वेयर पुट अप ऑल ओवर द पैलेस। जो उस शीशे का जो महल था, पोर्सेलेन से बना हुआ, उसकी दीवारों को खूब साफ किया गया, धोया गया, चमकाया गया, एकदम और खूबसूरत लगने लगा। पूरे महल को डेकोरेट किया गया, डेकोरेशन, सजाना, सजा दिया गया। और जो एक बड़ा हॉल था जहाँ पर राजा बैठने वाले थे, उस हॉल के बीच में, बहुत विशाल हॉल था, ह्यूज, ह्यूज का मतलब होता है बहुत बड़ा, बहुत, वेरी बिग, देयर वॉज अ गोल्डन पर्च, PERCH, पर्च का मतलब, अगर आप इस यहाँ पर देखें तो आप देखेंगे ये जो पक्षी बैठा हुआ है, एक ये एक स्टैंड जैसा आपको नजर आ रहा होगा, इसी को पर्च कहते हैं। ये एक स्टैंड जैसा होता है जिस पर पक्षी आकर बैठते हैं, उसे पर्च कहते हैं, राइट। तो एक सोने का एक स्टैंड रखा गया वहां पर कि कोयल आएगी और यहां पर बैठेगी, राइट। The tiny grey bird flew into the room, sat on the golden perch and sang so beautifully that the emperor's eyes filled with tears that rolled down his cheeks. People who heard her were enthralled. कुछ देर बाद वो छोटा सा जो पक्षी था, ग्रे कलर का, ब्लैक कलर का, वो उड़कर उस हॉल में पहुंचा और उस गोल्डन पर्च जो उसके लिए रखा हुआ था वहां पर बैठा,
और इसके बाद उसने अपनी मीठी आवाज में गाना शुरू किया। उसकी आवाज क्या थी, एक जादू था। वहां पर बैठे तमाम लोग और राजा जो थे वो तो एकदम मंत्रमुग्ध हो गए, जैसे किसी ने जादू कर दिया हो। इतनी मीठी आवाज मन को एकदम जैसे स्तब्ध कर गई। राजा की आंखों से आंसू गिरने लगे और आंसू की बूंदें उसके गालों से होती हुई चेहरे पर बहने लगी। और जिन दरबारियों ने उसे सुना वो भी रोमांचित हो गए, एंथ्रैल्ड, राइट। सच मार्वेलस नोट्स हैड कम आउट ऑफ द थ्रोट ऑफ अ स्मॉल ऑर्डिनरी बर्ड, द डिलाइटेड एम्परर वॉन्टेड टू हैंग गोल्डन स्लिपर अराउंड द नेक ऑफ द बर्ड। अब ऐसी मीठी आवाज और इतना अच्छा एक्सपीरियंस अनुभव रहा लोगों का कि सारे बस समझ लीजिए कि दीवाने हो गए उस पक्षी की आवाज के। राजा तो एक सोने की, समझ लीजिए जिसको स्लिपर जो कहा हुआ है कि जो गले से स्लिप होकर एक हार समझ लीजिए उसे, राइट, वो उस बर्ड के गले में डालने के लिए तैयार था, उसको इनाम देना चाहता था। बट शी सेड, आई हैव सीन टीयर्स इन द आईज ऑफ द एम्परर एंड दैट इज इनफ फॉर मी। लेकिन कोयल ने इनकार कर दिया, नाइटिंगेल ने इनकार कर दिया और उसने कहा कि मैंने सम्राट की आंखों में जो खुशी के आंसू देखे हैं वही मेरा इनाम, मुझे और कोई सोने चांदी हीरे जवाहरात वाले कोई इनाम नहीं चाहिए, राइट। आपने मेरे गीत को पसंद किया, आपने मेरी आवाज को पसंद किया, आपकी आंखों से आंसू निकल आए, मुझे मेरा इनाम मिल गया। द नाइटिंगेल रिमेन्ड इन द पैलेस इन हर ओन गोल्डन केज। राजा ने उसके लिए एक खूबसूरत सोने का पिंजरा बना दिया और वो जो नाइटिंगेल थी वो वहीं पर उस सोने के पिंजरे में रहने लगी, बहल में। 12 servants took care of her and a silken thread was tied to her leg. राजा ने उस पक्षी की खिदमत में अपने 12 नौकरों की ड्यूटी लगा दी कि उसकी देखभाल करने, उसकी सुख सुविधा को ख्याल रखने के लिए लगातार 12 नौकर उस नाइटिंगेल के सेवा में लगे रहते थे। और साथ ही सिल्क भी कहते हैं कि सबसे पहले चाइना में ही बनाया गया था और बड़ा कीमती रेशम जिसको हम कहते हैं, अब तो सभी जगह बनने लगा है लेकिन उस जमाने में रेशम बहुत कीमती होता था, जैसे आपको पोर्सेलेन के बारे में बताया। तो राजा ने उसके लिए एक पोर्सेलेन की, सॉरी, एक सिल्क की डोरी बनाई और उसके पैरों में पहना दी। One day the emperor was given an artificial bird with rubies and diamonds and other precious stones. Everyone said, "How pretty this bird is!" When it was wound up, it even sang like the real nightingale. The emperor was pleased. Now both the birds shall sing together, and we shall hear a duet. एक दिन किसी ने राजा को एक artificial नाइटिंगल भेंट किया। आर्टिफिशियल नाइटिंगल का मतलब एक मशीन समझ लीजिए, राइट, जिसमें जब चाबी भरी जाती थी, वाउंड अप जो कहा जा रहा है, WIND विंड का सेकंड फॉर्म है वाउंड, राइट। तो उसके अंदर लगे हुए जो कलपुर्जे थे, जिस तरह से हम मशीन, पुरानी जो घड़ियां होती हैं, राइट, बैटरी से चलने वाली नहीं, पुरानी घड़ियां आती थी, आप लोगों ने पता नहीं देखी है या नहीं, या किसी के घर में शायद आज भी हो। तो पुरानी घड़ियों में एक चाबी भरने के लिए एक वो हुआ करता था, उसमें जब चाबी दे दी जाती थी तो अंदर का जो मैकेनिज्म था उसके पूरे व्हील्स वगैरह अंदर घूमने लगते थे और मशीन काम करने लगती थी। तो ये जो नाइटिंगल, आर्टिफिशियल नाइटिंगल था, उसका भी कुछ ऐसे ही फंक्शन था कि उसमें जब चाबी भर दी जाती थी तो वो असली नाइटिंगेल की तरह गाना गाती थी, राइट। तो सम्राट तो बड़े खुश हो गए उसको देखकर,
और उन्होंने कहा कि वाह अब तो मेरे पास दो दो बर्ड ऐसे हो गए हैं, जो एक ओरिजिनल है नेचुरल है और दूसरा आर्टिफिशियल है। अब तो भाई ये दोनों बर्ड्स गाना गाया करेंगे और मैं इनको सुना करूंगा। ड्यूएट कहलाते हैं जब दो लोग मिलकर किसी गीत को गाते हैं तो उसे ड्यूएट कहते हैं, राइट। जैसे अक्सर आप गाने सुना करते हैं जिसमें कोई एक मेल सिंगर होता है, एक फीमेल सिंगर होता है, या दो मेल्स या दो फीमेल सिंगर्स होती हैं, तो दो सिंगर्स मिलकर जब किसी गीत को गाते हैं तो उसे ड्यूएट कहते हैं, युगल गीत हम हिंदी में कह सकते हैं, राइट। तो उसने कहा कि अब तो मुझे ड्यूएट सुनने मिलेगा, दो दो सिंगर्स हो गए हैं मेरे पास जो इन गीतों को गाया करेंगे। वी शैल हियर अ ड्यूएट नाउ। द बर्ड्स डिड सिंग बट इट डिडंट वर्क वेल फॉर द आर्टिफिशियल बर्ड सैंग ओनली वन टाइप ऑफ सॉन्ग एंड द नाइटिंगल सैंग इन आर ओन नेचुरल वे। मगर भाई ये चीज काम नहीं कर सकी। क्यों नहीं? क्योंकि देखिए मशीन कोई भी हो, आप टेप रिकॉर्डर हो या कोई और मशीन हो, राइट, या जो आजकल मोबाइल फोन्स वगैरह आप यूज कर रहे हैं तो उसमें कुछ गिनी चुनी धुनें होती हैं, राइट, जो कॉलर ट्यून्स वगैरह होती हैं या और भी जो दूसरा म्यूजिक रहता है वो उसमें ऑलरेडी जो फीड किया जाता है, राइट, वही आप सुन सकते हैं। तो ये जो आर्टिफिशियल बर्ड था ये तो एक ही किस्म का जो गीत लगातार गाता था कि जब चाबी भर दी तो एक गीत गाने लगा, राइट, और इसके बाद चाबी खत्म हो गई, बर्ड ने गाना बंद कर दिया। लेकिन जो नेचुरल जो बर्ड था उसकी खासियत ये थी कि वो लगातार तरह तरह से गीत गाते थे, राइट, और जो नेचुरल सिंगिंग थी उसका मुकाबला ये आर्टिफिशियल बर्ड नहीं कर पा रहा था। द नाइटिंगल देन कैप्ट क्वाइट एंड द आर्टिफिशियल बर्ड कैप्ट गेटिंग वाउंड अप एंड सैंग द सेम सॉन्ग ओवर एंड ओवर अगेन टिल द एम्परर सेड गिव द नाइटिंगल अ चांस टू सिंग ऑल्सो बट शी हैड क्वाइटली फ्लोन बैक टू हर हाउस इन द ग्रीन फॉरेस्ट। अब ये नई नई चीज जब कोई आती है आपके घर में तो समझ लीजिए कि सबका पूरा ध्यान उसी की तरफ होता है। अब ये नया एक आर्टिफिशियल बर्ड आया था तो हर कोई सारी चीजें भूल भाल कर बस इस आर्टिफिशियल बर्ड को बार बार चाबी भरते थे, वो एक एक ही गाना गाती रहती थी, उसको सुनते रहते थे, बाद में फिर उसको चाबी भरी, फिर उसके गाने सुनते रहे। कब तक एक ही किस्म के गीत सुनते हैं? इसके बाद एम्परर ने कहा कि चलो भाई ये जो मशीन है इसको रखो और जो असली नाइटिंगल है उसे बुलाओ, हम उसी को सुनेंगे। लेकिन देखा उन्होंने तो वो जो नाइटिंगल थी वो महल छोड़कर चली गई थी अपने फिर से पुराने जहां पे वो नेचुरल में गाती थी जंगलों में, राइट। What an ungrateful bird, exclaimed the people. Anyway, this artificial bird is much prettier and can sing as well. लोगों ने उस जो कोयल थी या नाइटिंगल थी उसको नाम धरना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि कितनी एहसान फरामोश है ये। राजा ने इसके लिए देखो सोने की चीजें बनाई, सोने का पिंजरा बनाया, 12 नौकर इसकी खिदमत में लगाए, तरह तरह से उसके आराम का ख्याल रखा और वो महल छोड़कर चली गई है बगैर बताए। कितनी अनग्रेटफुल है, थैंकलेस है, राइट। तो लेकिन उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, ये जो आर्टिफिशियल बर्ड है ये उससे भी सुंदर है। वो तो सिर्फ अच्छा गाती थी, ये बर्ड अच्छा गाता भी है और अच्छा दिखता भी है, क्योंकि उसमें सब प्रेशियस ज्वेल्स जिसका मतलब है बहुत कीमती रत्न जड़े हुए थे, हीरे मोती माणिक पुखराज पता नहीं कौन कौन से, तो तरह तरह के रत्नों से सजी हुई चिड़िया थी वो। तो लोगों ने कहा कि वो तो सिर्फ गाती अच्छा थे, दिखती बदसूरत थी, काले रंग का बर्ड था वो, ये बहुत खूबसूरत बर्ड है, राइट। वन डे द म्यूजिक मशीन इन द आर्टिफिशियल बर्ड्स बीजेवल्ड बॉडी सडनली स्टॉप्ड वर्किंग। द वॉचमेकर हु फिक्स्ड इट सेड दैट द मशीन हैड वर्क फॉर टू लॉन्ग एंड नाउ द मैकेनिकल बर्ड कुड सिंग जस्ट वंस अ ईयर।
अब एक दिन वैसे ही हुआ जैसा होना था। मशीनों की भी एक लाइफ होती है, अब एक वक्त तक चलती हैं और उसके बाद बंद हो जाया करती हैं। तो इस मशीन ने भी जब तक ठीक ठाक चलती रही, गाती रही, इसके बाद एक दिन देखा तो अंदर का कोई कलपुर्जा खराब हो गया था और वो मशीन बिगड़ गई और उसने गाना बंद कर दिया। एक वॉच मेकर, मतलब जो घड़ी वगैरह को सुधारने वाले होते हैं, जो बड़े बारीक काम करते हैं, उस वॉच मेकर को बुलाया गया। उस वॉच मेकर ने देखा वगैरह और उसने कहा कि भाई इस मशीन की को जितना काम करना था वो कर चुकी, उससे ज़्यादा काम कर चुकी, और अब तो आप यूं समझ लीजिए कि ये बस साल में एक आध बारी गा सकेगी। आप जो रोजाना जिसको जितना उसको बार बार सुना करते थे, तो ये मशीन खराब हो गई है। 5 years passed and the emperor became very ill. The people were filled with sorrow. A new emperor was selected. The old, pale emperor lay on his bed. The palace that had once been filled with the songs of the nightingale was silent. अब इस बात को धीरे धीरे 5 साल बीत गए, 5 साल गुजर गए। इसी बीच 5 साल बीतने के बाद जो वहां के सम्राट थे, वो जो एम्परर थे, वो बहुत ज्यादा बीमार पड़ गए। लोगों में दुख की लहर भी छा गई कि भाई हमारे राजा बीमार हो गए। अब क्योंकि ये राजा दरबार में बैठकर ये सारे काम नहीं कर पाते थे, तो नया एम्परर सिलेक्ट किया गया कि भाई महाराज तो बीमार हैं, आप ही काम देखिए अभी। और ये जो बूढ़ा राजा था, जो कि एकदम अपनी बीमारी की वजह से, कमजोरी की वजह से पीला पड़ गया था, पेल बॉडी, राइट, ये अपने बिस्तर पर पड़ा रहता था। और वो महल, वो खूबसूरत महल जो हमेशा बड़ी मीठी आवाज, कोयल की उस मीठी आवाज से गूंजा करता था, अब वहां पर एक सन्नाटा था। अब उस महल से जैसे जान ही जा चुकी थी, कोई कुछ भी एक्साइटमेंट वहां पर नहीं रह गया था। राजा बीमार था, कोई संगीत नहीं था, कोई म्यूजिक नहीं था, राइट। द एम्परर लुक्ड एट द आर्टिफिशियल बर्ड एंड सेड, सिंग प्लीज सिंग, आई हैव गिवन यू अ गोल्डन स्लीपर दैट हैंग्स अराउंड योर नेक, नॉट अ साउंड केम फ्रॉम द बर्ड। राजा जो बेचारा अपने अकेलेपन से और बीमारी से परेशान था, उसने आर्टिफिशियल बर्ड के सामने विनती की कि भाई प्लीज तुम गाओ, एक गीत तो मुझे सुनाओ ताकि मेरा दिल कुछ बहले। मैंने देखो तुम्हारे लिए क्या कुछ किया है, तुम्हारे गले में कितनी खूबसूरत मैंने एक गोल्डन स्लिपर डाल रखी है, राइट। लेकिन वो तो मशीन थी, कहाँ राजा की विनती सुनती, कोई आवाज नहीं आई उसमें से। मीन वाइल द नाइटिंगल हर्ड अबाउट द एम्परर्स इलनेस, शी केम एंड सेट ऑन अ ब्रांच ऑफ अ ट्री आउटसाइड द एम्परर्स बेडरूम विंडो, शी बिगेन टू सिंग। इसी बीच कोयल को, जो असली कोयल थी, उसे ये बात पता चली कि राजा बहुत बीमार है, और वो उड़ती हुई आई और राजा के महल की खिड़की, आप देख रहे होंगे जहां पे राजा सोए थे उनकी बगल में एक खिड़की थी, वहां पर एक पेड़ की ब्रांच पर बैठ गई और उसने अपना गीत गाना शुरू किया। शी सेंग ऑफ होप एंड जॉय, ऑफ पीस एंड लव, एंड द पेलनेस डिसअपियर्ड फ्रॉम द चीक्स ऑफ द एम्परर। उसने बहुत खूबसूरत गीत गाना शुरू किया, उस गीत में बहुत सारी चीजें थी, आशा, होप जिसको कहते हैं, एक जीवन को जीने की आशा। राजा तो ये सोच बैठे थे कि बस अब मेरा अंत करीब है, लेकिन उस गीत ने उनके अंदर एक नई आशा का संचार किया, राइट। और देखते देखते राजा के शरीर में जो एक पीलापन आ गया था, जो शरीर बीमारी के कारण जर्द हो गया था, उसकी पुरानी रंगत वापस आने लगी, राजा में एक नए जीवन का संचार होने लगा। स्लोली हिज स्ट्रेंथ रिटर्न्ड,
Go on, little nightingale, go on, he said, and the little bird sang on, and the emperor fell into a deep sleep. धीरे धीरे उसकी राजा की जो ताकत थी वो वापस लौटने लगी. उसने उस नाइटिंगल से कहा कि ऐ नन्हे पक्षी, तुम गाते रहो, बस गाते रहो, मुझे तुम्हारा गीत सुनना है. और वो कोयल, वो नाइटिंगल लगातार अपने राजा के लिए गाती रही. तब तक गाती रही जब तक उसकी आवाज सुनकर राजा धीरे धीरे गहरी नींद में नहीं चले गए. राइट, यहाँ पर याद रखें कि वो राजा बीमारी की वजह से कई रातों तक नहीं सोए थे, जागते रहे थे. बीमारी की वजह से उन्हें अपनी मृत्यु करीब नजर आ रही थी, तो वो बुरी तरह से आशा खो चुके थे अपने जीवन की, जीने की. राइट, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे उस मीठी आवाज़ ने राजा के शरीर से उसकी बीमारी निकाल दी, उसकी ताकत वापस आने लगी और वो गहरी नींद में सो गया. राइट, व्हेन ही अवोक ही वॉज स्ट्रांग एंड हैप्पी एंड द वार्म सनशाइन टच्ड हिम एज इट शोन थ्रू हिज विंडो. सवेरे जब राजा की आंख खुली तो उन्होंने अपने में एक नई स्फूर्ति, नई ताकत महसूस की. सूरज की जो किरण थी, सूरज की जो धूप थी, वो कमरे के अंदर उसी खिड़की से आ रही थी और राजा में जैसे एक नए जीवन का संचार हो रहा था. स्टे विद मी लिटिल बर्ड, सेड द एम्परर, एंड सिंग ओनली व्हेन यू वांट, आई शैल डिस्ट्रॉय द आर्टिफिशियल बर्ड. राजा ने कहा कि ऐ नन्हे पक्षी, तुम बस ऐसे ही आकर मुझे गीत सुना दिया करो. तुम्हारा ये, मैं नहीं कहूंगा कि तुम मुझे कब सुनाओ, जब तुम्हारी मर्जी हो तब गाना. राइट, और वो जो आर्टिफिशियल बर्ड है मैं उसे नष्ट कर दूंगा, वो मेरे किसी काम का नहीं है. नो योर मैजेस्टी, सेड द बर्ड, इट सेंग फॉर यू एंड गिव यू प्लेजर. आई विल सिट आउटसाइड योर विंडो एंड सिंग फॉर यू, बट प्रोमिस मी वन थिंग, एनी थिंग, सेड द एम्परर. तो पक्षी ने कहा उस नाइटिंगल ने कि महाराज ऐसा मत कीजिएगा. उस पक्षी ने, चाहे वो मशीन क्यों ना है, उसने कभी आपको खुशी दी है, आपके लिए उसने गीत गाए हैं, तो उसे नष्ट मत कीजिए. आप मुझे सुनना चाहते हैं, ऐसा ही होगा, मैं आऊंगी और आपके खिड़की से बाहर इसी पेड़ पर बैठकर आपको गीत सुनाया करूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है. एनीथिंग, सेड द एम्परर. राजा ने कहा जो भी तुम्हारी शर्त है मुझे मंजूर. प्लीज डोंट टेल एनीवन अबाउट मी, आई शैल सिंग फॉर यू एंड फिल यू विद जॉय. आई शैल फ्लाई अवे टू द फिशरमैन एंड द पुअर हु आर टायर्ड एंड सैड एंड विल सिंग फॉर देम टू मेक देम हैप्पी. उसे कहा कि मेरी यही विनती है आपसे, या यही शर्त है मेरी, कि आप मेरे बारे में किसी को ना बताएं. मैं आपके लिए आकर गीत गाऊंगी, लेकिन मैं यहां से फिर लौट जाया करूंगी उन गरीबों के पास, उन मछुआरों के पास जो कड़ी मेहनत करते हैं, कड़ी मशक्कत करते हैं, और उनकी थकान मिटाने के लिए, उन्हें कोई सुख देने के लिए इस दुनिया में और कोई चीज़ उन्हें हासिल नहीं है. तो मैं उन गरीबों, उन बदकिस्मतों के लिए गाना चाहती हूँ. इसलिए आप लेट नो वन नो दैट देयर इज अ लिटिल बर्ड दैट टेल्स यू एवरीथिंग एंड सिंग्स फॉर योर हैप्पीनेस विद दिस द बर्ड फ्ली अवे. इसलिए आप किसी को भी ये मत बताइएगा कि कोई ऐसा बर्ड भी है जो आपके लिए गीत गाता है. राइट, आपको प्रसन्न करता है. और अपनी ये शर्त राजा को सुनाकर वो बर्ड, वो नाइटिंगल वहां से उड़कर चली गई. द एम्परर गॉट अप एंड पुट ऑन हिज बेस्ट रोब्स, हिज सर्वेंट्स एंटर्ड हिज रूम एक्सपेक्टिंग हिम टू बी डेड, एंड देयर ही वॉज एज स्ट्रांग एंड हैप्पी एज एवर. देयर आईज वेर राउंड विद अस्टॉनिशमेंट व्हेन ही सेड गुड मॉर्निंग. एम्परर जो थे वो खड़े हुए अपने बिस्तर से, कई दिनों से तो बिस्तर से उठ ही नहीं पाए थे, और उन्होंने जो अपना सबसे अच्छी पोशाक थी, रोब्स,
गाउन जैसा होता है ये, जिसको ऊपर से लबादा एक पहनते हैं एम्परर्स। तो उन्होंने अपना जो सबसे अच्छा उनकी पोशाक थी उसे पहना। कुछ देर में जो सर्वेंट्स थे उनके, वो धीरे से रूम में दाखिल हुए। और आज तो उन्हें उम्मीद थी कि बहुत राजा जो बीमार थे, तो शायद आज उनकी लाश ही उन्हें देखने मिलेगी। लेकिन यहाँ पर तो राजा बिल्कुल स्वस्थ, ताकत से भरे हुए, राइट, और एकदम जैसे पुराने नौजवान थे वैसे राजा सामने खड़े थे। और एकदम वो भौचक्के हो गए, आंखें उनकी खुली की खुली रह गई जब राजा ने बड़े उत्साह के साथ उन सबसे विश किया और कहा गुड मॉर्निंग। ये जो पूरी की पूरी आपने लेसन आपने पढ़ा है खूबसूरत, ये हैंस क्रिश्चियन एंडरसन का लिखा हुआ है, राइट, यानी इसको लिखने वाले जो हैं हैंस क्रिश्चियन एंडरसन है, उनकी एक किताब है उससे एब्रिज्ड एंड एडप्टेड, वहाँ से ये कहानी ली गई है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि ये जो नाइटिंगल के बारे में देखा आपने कि ये पहले राजा के महल में आई, वहाँ पे कैद हो गई थी वो सोने के पिंजरे में। पिंजरा चाहे सोने का हो या लोहे का हो या जिसका भी हो, ये गुलामी का प्रतीक होता है, राइट। और इस दुनिया में जो गुलाम है, जो दूसरे के वश में है, वो कभी उसे प्रसन्न नहीं कहा जा सकता, उसे कभी खुशकिस्मत नहीं कहा जा सकता, राइट। तो इसी वजह से एक राजा के पिंजरे में कैद जो कोयल थी, वो उसने देख लिया था, उसने समझ लिया था कि वहाँ पर एक मशीन के आ जाने से वहाँ पर उसकी मांग, उसकी इज्जत कम हो गई थी, राइट। और वहीं पर वो लोग भी थे जो मछुआरे थे, जो मेहनतकश लोग थे, मजदूर लोग थे, जिनके लिए वो गाना गाती थी, वो उसे वैसे ही प्यार करते थे। उन्हें उन सभी लोगों को इस कोयल की ज़रूरत थी, लेकिन जो सम्राट थे, जो राजा थे, एम्परर थे, उनके लिए इस कोयल की ज़रूरत नहीं रह गई थी। अब उन्हें एक नया कीमती एक खिलौना मिल गया था, तो अब कोयल की ज़रूरत नहीं रह गई थी। तो इस कोयल ने, इस नाइटिंगल ने इस तथ्य को पहचाना, इस सच को पहचाना कि उसे वहीं रहना चाहिए जहाँ पर लोग उसे दिल से चाहते हैं और उसे पसंद करते हैं और जहाँ लोगों को उसकी ज़रूरत है। और इसीलिए वो जो नाइटिंगल थी, वो उस महल को छोड़कर चली गई थी राजा की तकलीफें जानकर, क्योंकि राजा ने उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार भी किया था, तो उसको वो भूली नहीं थी। वो आई और एक तरह से उसने उस राजा के को नया जीवन दान दिया, उसको स्वस्थ किया, लेकिन दोबारा उसने उस महल में रहना मंजूर नहीं किया। उसने अपने राजा से यही कहा कि मैं आपको स्वस्थ रखने के लिए, खुश रखने के लिए आपको गीत तो सुनाया करूंगी, मगर मैं लौटकर वहीं जाऊंगी जहां पर लोगों को दरअसल मेरी ज़रूरत है, जिनके पास मनोरंजन का, खुशियां पाने का और कोई साधन नहीं है, राइट। तो ये इससे मैसेज है इस लेसन का। बहुत अच्छी कहानी लगती है मुझे ये, दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल स्टोरी। तो आज हमने हैंस क्रिश्चियन एंडरसन की लिखी हुई ये कहानी जो थी, इसे हमने कंप्लीट किया, राइट। आज का ये वीडियो यहीं हम खत्म करते हैं। अगले इसमें इससे जुड़ी हुई जो एक्सरसाइजेस हैं, ये हम कंप्लीट करेंगे, राइट। और आप इस बीच अगर खुद भी करना चाहें तो आप कोशिश कर सकते हैं इसको करने की। हालांकि मैंने आपके लिए, आप देख ही रहे होंगे कि ये आई ऑलरेडी कंप्लीटेड ऑल द एक्सरसाइजेस फॉर यू, पूरा मैंने कंप्लीट कर रखा है, राइट। तो कोशिश करनी चाहिए आप लोगों को भी कि यहाँ पर पढ़कर समझने की कोशिश करना चाहिए कि क्या लिखा गया है, क्या आपसे करने के लिए कहा जा रहा है, राइट। और खुद करने की आप कोशिश करेंगे तभी जाकर जो ये लैंग्वेज है ये डेवलप होती है, राइट। तो आप कोशिश कीजिएगा और बार बार इस लेसन को पढ़िएगा, राइट, ये बहुत ज़रूरी है। तो फिलहाल हम यहीं पर इसे ख़त्म करते हैं।
ओके, विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद मी. थैंक यू स्टूडेंट्स. गुड बाय.